कहते हैं शिव नगरी का एक अहम साक्ष्य है धान की रहस्यमय फसल जो बर्फ के मैदान में हजारों सालों से अपने आप उग रही है। गोंजी गांव के लोगों के मुताबिक उसकी कहानी शिव भक्त पांडवों से जुड़ी है। पार्वती माता के तालाब के दर्शन करने के बाद उसके जो परिक्रमा होता है, परिक्रमा करते समय आपको एक बीम की खेती भी दिखाई देगी, जो कैलाश जाते समय बीम ने वहाँ खेती किया था, जो 12 मास अपने आप धान उगते हैं और अपने आप चढ़ जाते हैं। यानी शिव नगरी की खोज में महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आने वाले थे जिनकी जानकारी भी बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं है। फिर हमने कमर कसी, खुद को तैयार किया और उतर गए व्यास वैली में। पहला लक्ष्य था ओम पर्वत, फिर आदि कैलाश पर्वत, लेकिन गूंजी गांव के बाहर कदम रखते ही अंदाजा लग गया कि सफर कितना मुश्किल होने वाला था। गूंजी गांव से निकलने के बाद ये पहला जंगल मिला और इस जंगल से अब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पता नहीं कौन सा रास्ता है जो ओम पर्वत की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है इधर से निकलना पड़ेगा, इधर से निकलते हैं। रास्ते तो तलाश लेंगे, मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ओम पर्वत के रहस्यों के चक्कर ने घन चक्कर बना रखा था। एक चोटी ओम के आकार की कैसे हो सकती है? ओमकार की गूंज का क्या मामला है? ये सब सच है या मनगढ़ंत बातें? फिर सोचा चंद घंटे की बात है, फिर हकीकत खुद आंखों के सामने होगी। हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों के बीच खोते चले जा रहे हैं और दोनों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है और दोनों के बीच में जो बहुत छोटा सा रास्ता है, रास्ता क्या, बस पैर टिकाने की जगह कहिए, उसके बीच से हम पैदल आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम पर्वत पहुंचने के बाद भी वो आकृति हर किसी को नहीं दिखती। कभी मौसम, कभी बादल, तो कभी कोहरे की वजह से चोटी नजर ही नहीं आती। ओम की आकृति दिखेगी या नहीं, इसके लिए गांव वालों ने एक तरीका बताया था। ओम पर्वत के दर्शन तब होते हैं जब आप काला पानी, जो 9 किलोमीटर यहाँ से दूर है गुंजी से, वहाँ पर नाग पर्वत है, नाग पर्वत के दर्शन जब होंगे उसी समय आपको ओम पर्वत के दर्शन होंगे। अगर आपने नाग पर्वत को नहीं देखा, वहाँ बादल छाए हैं, तो ओम पर्वत के दर्शन भी नहीं होंगे। नाग पर्वत को गांव वाले पौराणिक शिव नगरी का पहला साक्ष्य मानते हैं। उस पहाड़ को भगवान शिव की गर्दन से लिपटे वासुकी नाग का प्रतीक बताया जाता है। नाग पर्वत से पहले हमें वो निशानी दिखी जिसकी वजह से इस घाटी का नाम व्यास घाटी पड़ा। हमारे सामने वो गुफा थी, दावे के मुताबिक जहां महर्षि वेद व्यास ने घोर तपस्या की थी। मेरे ठीक ऊपर एक गुफा है, इसे कहते हैं कि ये वेद व्यास की गुफा है और इस पूरे पहाड़ को वेद व्यास पहाड़ के नाम से ही जानते हैं। वहां जाना संभव नहीं है, अब तक किसी के पैर नहीं पड़े हैं, लेकिन जो गुफा है वो गुफा 2 मंजिला गुफा है और कहानी ये है कि यहीं वेद व्यास ने तपस्या की थी, यहीं उन्होंने वेदों और पुराणों का संकलन किया था और तब से इसे वेद व्यास गुफा के नाम से जानते हैं, जो बहुत ऊपर है। इसका अंदाज़ा लगा पाना कितनी ऊंचाई है, इसके बारे में सही सही जानकारी किसी के पास नहीं है। गुफा का मुहाना पहाड़ के बीच में था, वहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन था, जबकि मान्यता के मुताबिक महाभारत लिखने से पहले महर्षि वेदव्यास उसी गुफा में रहते थे। ओम पर्वत के रास्ते में व्यास गुफा पड़ती है जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, जिसे स्पॉट करना
काफ़ी डिफिकल्ट है, बट अगर उसकी ऊंचाई की तरह उसका महत्व भी बहुत ही ऊंचा है। सफर की पहली निशानी ने ही हैरत में डाल दिया था। अब बारी थी नाग पर्वत की, यानी पुराणों में बसी शिव नगरी का पहला जिंदा साक्ष्य। कुछ देर बाद हम नाग पर्वत के सामने थे, जिसकी चोटी एकदम साफ दिख रही थी, यानी किस्मत हमारे साथ थी। कहते हैं कि ये पर्वत, मतलब नाग पर्वत, जिसे कोई शेषनाग पर्वत भी कहता है, और ये अगर आपको दिख गया तो इसका मतलब ये है कि आप जिस दृश्यम को दिखाने जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, वो जो ओम की आकृति अपने आप बनती है, उस जगह पर में भी आपको वो ओम की आकृति अपने आप दिखाई देने लगेगी। पीछे थोड़ा सा बादल ज़रूर है, लेकिन वो बादल अब छट गए हैं। वो पर्वत मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमारे लिए शुभ संकेत है। नाग पर्वत के नजारे ने हमारे जोश को दोगुना कर दिया था। उम्मीद यही थी कि ओम पर्वत की आकृति भी ऐसी ही स्पष्ट दिखेगी। आगे काली नदी की लहरें खुद रास्ता बता रही थी। अब ओम पर्वत ज्यादा दूर नहीं था। यह काली नदी है, और इस काली नदी से गुजरते हुए, इसके ठीक बगल से चलते हुए, हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां से ओम पर्वत का रास्ता बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ओम पर्वत के लिए हमें किस तरफ जाना होगा। ओम पर्वत को देखने के लिए हम भी बहुत बेकरार थे। जिसे सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, वो आकृति, वहां से गूंजने वाली ओमकार की आवाज, ये सब कुछ विश्वास से परे था। खैर, अब हम ओम पर्वत पहुंचने ही वाले थे। शेषनाग पर्वत को पार करने के बाद अब हम ओम पर्वत के बिल्कुल करीब हैं, और जैसे ही हम इस चोटी को पार कर लेंगे तो हमें वो पर्वत दिख जाएगा जो प्रकृति का सबसे अनूठा कमाल है, सबसे अद्भुत कमाल है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस विशालकाय पर्वत को पार करना है। अंतिम मोड़ पर खतरा बढ़ता जा रहा था। एक चूक का मतलब था सीधे मौत की गोद में। लेकिन हम किसी तरह पहुंचने में कामयाब रहे। हमारे सामने था ओम पर्वत, जिसकी चोटी पर बनी ओम की आकृति बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कलम चलाकर ओम लिख दिया हो। ये देखो, ओम पर्वत दिख गया। हम इसी जगह तक पहुंचना चाह रहे थे, और जैसे ही नीचे से चलते चलते इस ऊंचाई तक हम पहुंचे, उसके बाद सामने वो विशाल पर्वत दिख रहा है, और दिख रहा है कि कितना बड़ा ओम लिखा हुआ है। आप इसे कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे, इसे प्रकृति का कमाल नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे। बहुत ही अद्भुत है। समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर आंखों के सामने एक विशाल ओमकार। विश्वास नहीं हो रहा था, कुदरत का ये अद्भुत करिश्मा था। एक एक हिस्सा, एक एक आकार एकदम साफ दिख रहा था। कहीं से भी, किसी दिशा से कोई शंका नहीं थी, ये ओम की आकृति थी। ये तो बिल्कुल ओम के जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ऊंची चोटी पर
किसी ने अपने हाथ से ओम लिख दिया हो, लेकिन ये प्राकृतिक है। ये कितना हैरान करने वाला है, ये बिल्कुल ओम दिखता है। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी ऊंचाई पर जाकर किसी ने अपने हाथ से लिख दिया हो। और जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे ये आकार, ऐसे ओम का ये आकार कब से है, किसने खोजा, कब दुनिया के सामने पहली बार आया, ये कोई नहीं जानता। बताया जाता है कि ये हजारों सालों से है, उस समय से जब ये पूरा इलाका एक शिव नगरी थी। सैकड़ों सालों से कई भौगोलिक बदलाव हुए, लेकिन ये ओमकार आज भी जस का तस है। इस जगह को देखने के बाद अचानक से मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, और जब आप इसे टीवी पर देख रहे होंगे तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि 20,000 फीट की ऊंचाई है ओम पर्वत, जहां वो ओम लिखा हुआ दिख रहा है, वो 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है, वहां कोई कैसे पत्थर से ओम लिख देगा। ऐसे लग रहा है जैसे ये कुदरत का कमाल है, कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। और ठीक सामने मैं वो देख रहा हूँ कि ओम लिखा हुआ है, और बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे आप जब किसी कॉपी पर या फिर पेन से किसी जगह पर या फिर पेंटिंग बनाने में कहीं ओम का इस्तेमाल करते हैं, ओम लिखते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। कोई इसे सृष्टि की रचना से जोड़ता है, कोई शिव भगवान की निशानी से। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वजह जो भी हो, इस ओम का सीधा संबंध आदि कैलाश से है। दावे के मुताबिक पर्वत से ओम की आवाज आती है, हमने भी सुनने की कोशिश की। दावे के मुताबिक आवाज उस समय गूंजती है जब चोटी पर बर्फ गिरती है, लेकिन हम कोशिश करते रहे। कभी कभी हवाओं की वजह से भ्रम जरूर हुआ, लेकिन हमें ओमकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। लेकिन ओमकार की ये आकृति अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। अब बारी थी पौराणिक शिव नगरी के सबसे बड़े साक्ष्य आदि कैलाश की, जहां भगवान शिव आज भी पूरे परिवार के साथ बसते हैं, जिसे पुराणों में छोटा कैलाश कहा गया है। जितना कठिन सफर गूंजी गांव से ओम पर्वत का है, उतना ही कठिन सफर है ओम पर्वत से आदि कैलाश का सफर। वही आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश मानसरोवर कहते हैं, वही आदि कैलाश जहां कहते हैं कि अभी भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और वहां जाने के लिए अब इस पहाड़ को पार करना है। ओम पर्वत शिव के उस नगर का प्रवेश द्वार माना जाता था। अब हमें और अंदर जाना था, जहां उस अलौकिक दुनिया के सबसे बड़े साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें चंद पर्वतारोहियों के सिवाय किसी ने नहीं देखा है। हम जिस आदि कैलाश तक पहुंचना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी कहानियां कैलाश पर्वत से मिलती जुलती है, और इसीलिए लोग इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। एक कहानी यह है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर विराजते हैं, और उसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्यु लोक। वैसा ही आदि कैलाश के लिए भी कहते हैं कि ऊपर महादेव का पूरा परिवार रहता है, और उसके ऊपर स्वर्ग है, नीचे मृत्यु लोक है। वहां कुछ ऐसी निशानियां दिखती हैं जिससे ये लगता है कि हजारों साल पहले वहां कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। वहां एक कुंड है जिसमें भगवान शिव का अक्ष दिखता है। एक बर्फीले मैदान में धान की फसल अपने आप उगती है। मुकुट के आकार की एक चोटी है जिसे पार्वती मुकुट कहा जाता है। फिर आदि कैलाश से पहले दिखता है भगवान गणेश की आकृति का पर्वत। शिव पुराण के साथ एक और कहानी हमारे कदमों के साथ चल रही थी। ये कहानी थी 5,000 साल पुराने महाभारत की। ओम पर्वत से जब आदि कैलाश की तरफ बढ़ते हैं तो महाभारत काल से जुड़ी कई सारी निशानियां दिखती है, जिनमें से एक निशानियां ये है। लोग इसे
पांडव किला कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे कुंती यांगती कहते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग जाने के दौरान पांडव अपनी माँ के साथ इस जगह पर रुके थे, इसीलिए इसका नाम कुंती यांगती है, कुंती के नाम से जुड़ा हुआ है। और इसके बगल में जो गांव है वो भारत का आखिरी गांव है, उस गांव का नाम है कुटी, उसके बाद हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं है। कहते हैं इसके बाद आदि कैलाश और फिर उसके बाद बॉर्डर है, दूसरा देश चीन तिब्बत ये सब बॉर्डर मिलते हैं। कहते हैं पांडवों को इस जगह का पता महर्षि वेद व्यास ने दिया था। पांडव क्यों आए थे इसके कई दावे हैं। किसी के मुताबिक वो शिव नगरी देखने आए थे, तो कोई इसे अज्ञातवास और स्वर्ग जाने की कहानी से जोड़ता है। फिलहाल तो हम पौराणिक शिव नगरी की खोज में उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सफेद पहाड़ों ने बता दिया मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। अब हम आदि कैलाश के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और आदि कैलाश के पास में मैं करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर हूं। और इस जगह की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कहीं भी आसपास में ना तो कोई पेड़ है और ना ही कोई पौधा है, और ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि यहाँ ऑक्सीजन सही से आपको नहीं मिल पाता है। और यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट और मैं सफ़र करूँगा, ट्रैक करूँगा, तो मैं आदि कैलाश के आसपास पहुँच जाऊँगा। और फिर ठीक उसके आसपास में वो दो सरोवर हैं जिसे एक को गौरीकुंड कहते हैं और एक को पार्वती सरोवर कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैलाश मानसरोवर में है। उस जगह तक पहुंचने के लिए अब हमें बहुत कम समय बचा है और इसके लिए हमें इस तरफ से निकलना होगा। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मानस खंड, इन ग्रंथों में भगवान शिव के उस नगर की कहानी लिखी है जिसमें खास तौर पर आदि कैलाश का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक आदि कैलाश की मान्यता कैलाश पर्वत के बराबर है। इसे महादेव का दूसरा घर बताया गया है। आदि कैलाश की गिनती पंच केदार में होती है। ग्रंथों की दुनिया से बाहर निकले तो सामने पार्वती सरोवर का दृश्य था। चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां और सामने एक विशाल सरोवर। आदि कैलाश को छोटा कैलाश क्यों कहते हैं, ये दृश्यम इस सवाल का जवाब था। नजारा बिल्कुल कैलाश मानसरोवर जैसा था। आदि कैलाश के पास जो पार्वती सरोवर है, पार्वती कुंड है, इसकी मान्यता उसके बराबर ही मानी जाती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर आप इस जगह तक आ गए तो आदि कैलाश की आधी यात्रा पूरी हो गई। कहते हैं जब शिव परिवार आदि कैलाश पर रहता था तब मां पार्वती इस कुंड का इस्तेमाल करती थी। दावे के मुताबिक ये पौराणिक शिव नगरी का मुख्य जल स्रोत हुआ करता था। कुंड के पास ही एक शिव मंदिर है जिसकी देखभाल चीन सीमा पर तैनात जवान करते हैं। यहां एक चौंकाने वाली बात पता चली। कहते हैं सरोवर के जल में आदि कैलाश की छाया दिखती है। पार्वती सरोवर के एक हिस्से में भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है, ये मंदिर, और एक हिस्से में आदि कैलाश पर्वत है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन जहाँ मंदिर है, मंदिर के ठीक नीचे पार्वती सरोवर में हर दिन आदि कैलाश की छाया दिखती है और कहते हैं यही यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है, इसीलिए लोग इसे पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर, माता पार्वती का प्रिय स्थान, पता नहीं कितने नामों से पुकारते हैं, कितने नामों से इसे जानते हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी कहानी है वो यही है कि यहाँ बहुत दूर होने के बावजूद आदि कैलाश पर्वत की छाया हर दिन
पार्वती कुंड में, पार्वती सरोवर में वो छाया दिखती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। कुंड से आदि कैलाश की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, फिर उसकी छाया कुंड में कैसे पड़ सकती है? यही वो जलाशय था जिसमें महादेव के अक्ष दिखने का दावा लोगों ने किया था। शायद आदि कैलाश की छाया को ही भगवान शिव का नाम दिया जाता है। सच्चाई क्या है ये हम जरूर पता करेंगे। अभी 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, उससे पहले इस पौराणिक शिवनगरी के कई साक्ष्यों से सामना होना था। तभी हमें एक पहाड़ दिखा जिसके शिखर पर नुकीले और लंबे पत्थरों की एक पूरी श्रृंखला थी। इसका नाम है पार्वती मुकुट। दूर से ये पहाड़ किसी राज मुकुट जैसा दिखता है। आदि कैलाश के करीब पहुंचने से पहले एक पर्वत दिखता है जिसे लोग पार्वती मुकुट कहते हैं। शायद इसलिए पार्वती मुकुट कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ऊपर, चोटी के ठीक ऊपर जो वो आकार दिख रहा है वो मुकुट के आकार का है। यहाँ से देखने में कोई सीधा दिख रहा है, कोई वाइड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चौड़ा सा है और उसे ऊपर में रख दिया गया है। दरअसल यहाँ के आसपास के लोग, और इसकी मान्यता भी यही है कि वो मुकुट है और माता पार्वती ने अपने मुकुट को उतार कर उस स्थान पर रखा था, इसीलिए उस जगह को पार्वती मुकुट के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे अद्भुत भौगोलिक संरचना कह सकते हैं, लेकिन एक बात गौर करने लायक थी, ऐसी शिलाएं इस पूरे इलाके में किसी चोटी पर नहीं थीं। केवल एक ही पर्वत ऐसा था जिसका नाम है पार्वती मुकुट। वाकई इस पूरे इलाके में एक से बढ़कर एक अद्भुत निशानियां थीं। अब इसे ही देखें, कौन मानेगा कि जिस इलाके में इंसानों का नामो निशान नहीं है, चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां हैं, वहां धान का खेत देखने को मिलेगा। कहानी महाभारत की है। कहते हैं जब पांडव यहां आए थे तब उन्होंने धान की खेती की थी, तब से लेकर आज तक ये पौधे अपने आप उग रहे हैं। पार्वती सरोवर और गौरी कुंड के बीच में एक स्थान है जिसे भीम की खेती कहते हैं। कहते हैं इसे भीम की खेती है, लेकिन इसकी कहानी यह है कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ खेती की थी और अभी भी इस जगह पर अपने आप धान की खेती हो रही है। देखने से लगता है कि किसी ने हाथों से धान की रोपाई की है, जो इस इलाके में नामुमकिन है। पानी तो ग्लेशियर से आता होगा, लेकिन धान के पौधे अपने आप कैसे उग सकते हैं ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ से करीब 10,000 फीट नीचे आसपास के जो किसान हैं, जब वो धान उगाते हैं और जैसे जैसे उस धान की बाली में वृद्धि होती है, वैसे ही यहाँ अपने आप ये धान की बाली बढ़ती जाती है और बाद में जैसे नीचे धान की पूरी खेती पककर तैयार हो जाती है, धान बिल्कुल खेत में तैयार हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी हो जाता है। और ये आज से नहीं, ऐसा सैकड़ों साल से होता आया है। हम एक बार फिर आदि कैलाश की दिशा में थे। इस इलाके के दृश्यों ने हमें हैरत में डाल रखा था। सबसे पहले ओम पर्वत, फिर पार्वती सरोवर, पार्वती मुकुट और धान की खेती। इन चार दृश्यों ने हमें उलझा कर रख दिया था। क्या हम वाकई किसी पौराणिक नगरी में थे जो कभी भगवान शिव की थी? अब हमारे सामने वो चोटी थी जो इस इलाके का अंतिम और सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है। मतलब महादेव शिव का निवास, आदि कैलाश। ये तो बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा था, हूबहू वैसा ही, आकार में थोड़ा छोटा,
लेकिन आकृति बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसी। ये आदि कैलाश, हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये देखो ये कितना अद्भुत लग रहा है, पीछे नीला आसमान, आसपास में बादल और बर्फ, चारों तरफ बर्फ है। अद्भुत नजारा था, बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। मान्यता यही है कि इस चोटी पर भगवान शिव परिवार के साथ सूक्ष्म रूप में आज भी रहते हैं। यहां पहुंचने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 22,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई बताते हैं। और यहां आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं करीब 20,000 फीट पर हूं, और यहां से ऐसा लग रहा है जैसे काफी काफी ऊंचाई है। बहुत वहां चल जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा। हालांकि कहते हैं कि वहां तक, आज तक उस जगह तक कोई नहीं पहुंच पाया। जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई असंभव है, वैसे ही आदि कैलाश को भी आज तक कोई नहीं लांग सका है। कुछ पर्वतारोहियों ने कोशिश की थी, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे तो उन्होंने आदि कैलाश पर्वत पर पड़ाव डाला था। इस स्थान पर वो कुछ वक्त के लिए रुके थे, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और कहते हैं कि अभी भी भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय इसी पर्वत के ऊपर रहते हैं। आदि कैलाश चोटी के ठीक नीचे इस आकृति को गौर से देखिए, जो भगवान गणेश जैसी दिखती है। ये आकृति आदि कैलाश पर शिव परिवार की मौजूदगी की निशानी मानी जाती है। जो आदि कैलाश ऊपर है और नीचे जो चोटी है उसको लोग भगवान गणेश की चोटी कहते हैं। उसे ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने भगवान गणेश को वहाँ स्थापित किया था, ऐसी भी कहानी कही जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपर आदि कैलाश और नीचे वो भगवान गणेश की आकृति दिख रही है, जो दिन के वक्त में पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार दिखती है। कैलाश पर्वत और आदि कैलाश में फर्क करना मुश्किल है, इसी वजह से आदि कैलाश भगवान शिव का दूसरा घर माना जाता है, मतलब छोटा कैलाश मानसरोवर। आदि कैलाश को भरपूर निहारने के बाद हम वापस पार्वती जलाशय की राह पर थे। अभी एक सवाल का जवाब खोजना बाकी था। 5 किलोमीटर की दूरी के बावजूद पार्वती सरोवर में आदि कैलाश की छाया कैसे दिखती है? कुछ देर बाद हम उस जलाशय के पास थे। पार्वती सरोवर में आदि कैलाश पर्वत की छाया दिखती है। वैसे कहते हैं कि कई ऐसी जगहें हैं जहां से वो छाया दिखती है, लेकिन एक जगह है जहां ये दावा किया जाता है कि हर दिन वहां वो छाया एक बार जरूर पड़ती है। तो अब हम इस सरोवर के अलग अलग हिस्सों में, इस तरफ से और फिर इस तरफ, ये सरोवर जितना बड़ा है इसके हर हिस्से में जाकर हम देखते हैं कि क्या लोग जो कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर है आदि कैलाश पर्वत, बावजूद इसके यहाँ उसकी छाया दिखती है, क्या वो छाया दिखती है? इसके अलग अलग हिस्सों में जाकर देखते हैं। चोटी का व्यू पॉइंट 5 किलोमीटर दूर, सूरज की दिशा भी साथ नहीं दे रही थी, भौगोलिक हालात भी पक्ष में नहीं थे। फिर आदि कैलाश की छाया सरोवर में कैसे उभरती है? लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी अटकलें सिरे से खारिज हो गईं। यहां से वो छाया दिख रही है, यहां से वो छाया पूरी तरह से दिख रही है। जितना ऊंचा ये पर्वत है वैसी ही छाया नीचे दिख रही है। हालांकि हवा थोड़ी तेज है और यहाँ हवाएं चलती रहती है, हवाओं के रुकने का कोई ठिकाना नहीं है।
इसलिए बहुत साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं यहाँ से इस जगह से बैठकर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत जितना ऊंचा बिल्कुल आसमान की तरफ दिख रहा है वैसे ही छाया इस सरोवर में बन रही है बिल्कुल नीचे तक। ये सबसे हैरतअंगेज तस्वीर थी। ये कैसे हुआ नहीं पता, इतनी दूर से छाया कैसे बनी नहीं जानते। जो भी था हमारे सामने था और हम लाजवाब थे। ओम पर्वत, पार्वती सरोवर, आदि कैलाश, ये सब किसी पौराणिक शिवनगरी के साक्ष्य हैं या नहीं है, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सवाल उठाने वालों को एक और सवाल का जवाब तलाशना होगा। इस पूरे इलाके की एक एक तस्वीर, एक एक निशानी, हर एक साक्ष्य हूबहू वैसा ही क्यों है जैसा पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है। हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए इसराइल ने अब मिशन साउथ शुरू कर दिया है। नॉर्थ गाजा को दहलाने के बाद इसराइल ने साउथ गाजा में भीषण बमबारी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसराइल ने शुरुआती 30 मिनट में ही 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करके खान यूनिस को पूरी तरह से दहला दिया। एक सिनफार की तलाश में इसराइल ने बारूदी सहार की नई बानगी को पेश कर दिया है। डायरेक्ट गाजा से आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट, शमशान बना गाजा, इसराइल की आत्मरक्षा। दहाड़ता गरजता आसमान दक्षिण गाजा में हमास के लड़ाकों के अंत की गवाही दे रहा है। साउथ गाजा में जंग के 60वें दिन बरसते बारूद का नया रिकॉर्ड बन गया। ये वीडियो खान यूनिस इलाके से आया है। हमास चीफ यहया सिनवार की तलाश में आईडीएफ ने सिर्फ शुरुआती 30 मिनट में ही 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर